हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकबुक के प्रोफेशनल किट के बारे में। दोस्तों, ये मैंने मैकबुक का प्रोफेशनल किट मंगाया है और इसको आज हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। और ये मैकबुक का प्रोफेशनल फ्लैश किट है और इसको मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, ये इस तरीके से है और इसमें ये मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों देखो क्या बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसको हम नीचे में साइड में रख देता हूँ और ये देखते हैं दोस्तों, ये जो है इसका पाउच है, पाउच के अंदर क्या है देखते हैं दोस्तों। पाउच के अंदर इन्होंने जेल भेजे हुए हैं, ये मैकबुक के क्रिएटिव जेल्स हैं। तो ये देखते हैं, तो ये पाउच में से ये मैकबुक के क्रिएटिव जेल्स निकले हैं। तो इन जेल्स को देखते हैं दोस्तों क्या है, ये जेल्स कितने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये कई सारे जेल्स इन्होंने दिए हैं। इसमें मैकबुक का ग्रीन जेल है, टेल जेल है, ब्लू है और पर्पल है, मैजेंटा है, रेड है, ऑरेंज है और ये येलो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जेल इन्होंने, क्रिएटिव जेल इन्होंने अपनी फ्लैश किट में दिए हैं प्रोफेशनल फ्लैश किट के साथ में। ये मैकबुक के 8 जेल, क्रिएटिव 8 जेल इन्होंने दिए हैं। और ये इनका पाउच हो गया दोस्तों, ये जेल हो गया और ये इनका, ये दोस्तों ये मैग बाउंस हो गया, ये मैग बाउंस है। ये लाइट को बाउंस कराने के काम आता है और ये भी बहुत अच्छा है। और ये इनका, ये दोस्तों ये मैग सेफर है, ये मैग सेफर जो है ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, सॉफ्ट इफेक्टिव देता है। इसको हम लाइट के ऊपर लगा करके आराम से अपनी लाइट को सॉफ्ट इफेक्ट दे सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये मैक ग्रिड है दोस्तों, सॉरी ये मैक ग्रिप है। ये इसको फ्लैश पे एडजस्ट करके ये फ्लैश पे लग जाता है, इसको फ्लैश पे लगा करके फिर इन इसके थ्रू इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैक ग्रिप हो गया इनका, ये जो है मैक जेल का ये होल्डर हो गया। इसमें हम मैक जो क्रिएटिव जेल्स हैं उनको लगा करके इसमें फिर हम यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैक ग्रिड हो गया, तो ये मैक ग्रिड है, ये इसमें हम मतलब लाइट को किस तरीके से, मतलब हम लाइट को किस डायरेक्शन में देना चाहते हैं तो प्रॉपर उसी डायरेक्शन में ये लाइट जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। ये तो मैक ग्रिड इस काम आती है। तो दोस्तों ये चीज़ होगी, ये मैग्नेटिक है, ये आराम से लग गया दोस्तों, ऐसी ये है। और इसका भी मैं इसको फ्लैश पे लगा करके देखते हैं फ्लैश पे कैसे काम करेगा। फ्लैश ये हो गया हमारा, ये मेरा गोडेक्स का फ्लैश है, V860 सेकेंड सी, मैंने कैनन के लिए मंगाया हुआ है। और इसमें मैं इसको अभी जो है इसका ग्रिप चेक करता हूँ किस तरीके से ये लगता है। तो दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा टाइट लगता है ग्रिप, जो इसकी मैक ग्रिप की जो है ये थोड़ा सा टाइट ही लगेगा। तो दोस्तों देखिएगा, ये मैंने मैक ग्रिप जो है इस पर अपनी फ्लैश पे इसको लगा दिया है आराम से। और हम मैक सेफर को इसको आराम से इसमें लगाना है तो इस तरीके से आराम से लगा सकते हैं। और इसमें सर बेनिफिट ये है कि अगर इसको हम कैरी करना चाहें तो इसको हम कैरी करके कहीं भी लेके जा रहे हैं, चाहे हम अपने कैमरे पे इसको लगा रखा है या स्टैंड पे हमने इसको लगाया हुआ है और हम इसको कैरी करके लेके जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का झटका वटका लगता है ये कैरी करने में कहीं होता है, तो ये निकलेगा नहीं।
अपने आप से नहीं निकलेगा, और अगर आप खुद से हटाना चाहो तो इसको आराम से हट जाता है, आराम से लग जाता है। तो ये हो गया, और इस तरीके से ये मैग बाउंस हो गया। मैग बाउंस को हम आराम से इसको आराम से ऐसे लगा सकते हैं। ये भी देखेगा कि मैग्नेटिक पावर इनकी अच्छी है, तो मतलब कैरी करने में ये गिरेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आराम से ऐसे इसको आराम से हटा करके लगा सकते हैं। मैग ग्रिप बाउंस हो गया, और ये हो गया हमारा, ऐसे ये मैग ग्रिड हो गया। मैग ग्रिड को आराम से ये लग गया। तो इसका बेनिफिट यही है कि कम समय में हम अपने जो क्रिएटिव लाइट्स को किस तरीके से कैसी डायरेक्शन देनी है, तो बहुत जल्दी हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हटाना है, दूसरी चीज़ लगानी है। ये मैंने हटाया, इसको मुझे मैग सेफर यूज़ करना है तो मैग सेफर मैंने इसको लगा दिया। मैग सेफर के जब मुझे मैग बाउंस यूज़ करना है तो मैग बाउंस मैंने इसको लगा दिया। आराम से ये अपना स्टैंड पर लगा है या कैमरे पर लगा है, किस तरीके से फ्लैश एक जगह लगी है। तो उसके अलावा बाकी जो है, अब जैसे कि ये मैग जेल है, मैग जेल को मैं अब इसमें क्रिएटिव जेल्स इसमें लगा के देखता हूँ कैसे ये देख लगता है। तो दोस्तों ये मैग जेल इसमें लग गया है, और अब मैं इसको इस पर लगाऊंगा। तो ये देखेगा दोस्तों, इसको आराम से इस पर मैग जेल इसमें अपना लग गया है। तो अब येलो मैंने लगाया, तो येलो लाइट इसमें से फायर होगी। इसके साथ साथ में, मैग जेल के साथ साथ में एक चीज़ है कि हम मैग ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, कि हमें लाइट क्या है कि पूरी वाइड नहीं चाहिए, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में लाइट चाहिए, कितनी लाइट चाहिए। तो मैग ग्रिड हम आराम से इसको लगा सकते हैं मैग ग्रिड लगाने के बाद में। और हमें सॉफ्ट भी चाहिए तो हम इस पर ये भी मैग सेफर भी यूज़ कर सकते हैं। मैग सेफर हमें यूज़ नहीं करना है, तो और कुछ यूज़ करना है, मैग बाउंस मुझे यूज़ करना है, तो मैंने मैग बाउंस भी लगा दिया। मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मैग ग्रिड जो मैग मूड के जो ये डिफ्यूज़र्स हैं, या ये जितने मैग मूड की आइटम्स हैं, इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। बट इनको बहुत ईजिली हम कैरी मतलब आराम से यूज़ कर सकते हैं आराम से। मुझे मैग जेल नहीं चाहिए, मुझे इस समय अभी मैग ग्रिड हम मुझे यूज़ करनी, तो मैंने मैग ग्रिड लगाया। मैग ग्रिड नहीं यूज़ करना, मुझे मैग सेफर यूज़ करना है तो मैग सेफर मैंने लगा दिया। मुझे मैग बाउंस यूज़ करना है तो मैंने मैग बाउंस लगा दिया। तो इस तरीके से बहुत ईजिली हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मैग ग्रिड का प्रोफेशनल फ्लैश किट की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।